भारत का वह प्रदेश जहां बसते हैं अनेकों देवी देवता, धान का कटोरा कहे जाने वाले यह छत्तीसगढ़ अपनी विशेषता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आज हम छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित चंडी माता के मंदिर के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी जिले के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइक उनको दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। चंडी माता मंदिर महासमुंद जिला अंतर्गत ग्राम गुंजापाली में स्थित है। ग्राम गुंजापाली बाग बहारा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। चारों ओर से जंगलों और पहाड़ियों से घिरे ग्राम में विराजमान है माँ चंडी। दोस्तों, माता चंडी रूप देखते ही बनता है। लगभग 9 फीट ऊंची माँ की विशालकाय भूगर्भित प्रतिमा स्वयं में अद्वितीय है। माता चंडी का मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। मंदिर जिला महासमुंद से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक जाने हेतु सड़क मार्ग से साथ साथ रेल मार्ग की भी सुविधा है। बाग बहारा रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, पहाड़ी पर चढ़ने हेतु सीढ़ियों की कोई आवश्यकता नहीं है। लंबे ढलान के होने से चढ़ाई अत्यंत सुगम हो जाती है। अतः बुजुर्गों और अस्वस्थ लोग जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने में कोई तकलीफ हो, वे भी माँ के दर्शन हेतु जा सकते हैं। मंदिर की बनावट बहुत सुंदर है। यहाँ बटुक भैरव, महावीर, हनुमान जी, गुफा के अंदर स्थित माँ काली व शिव जी की मंदिर दर्शनीय है। जंगलों में जंगली जानवर भी है। दोस्तों, माना जाता है कि कलयुग के प्रारंभ में पांडवों ने जब गुप्त वनवास किया था तब एक रात्रि यहाँ भी विश्राम किया था। उसी समय यह मूर्ति प्रकट हुई एवं पांडवों को चंडी माता ने दर्शन दिए। पांडवों के जाने के पश्चात यहाँ आदिवासी राजाओं का राज था। तब माता ने आदिवासी राजा को स्वप्न में आकर कहा कि मैं यहाँ विराजमान हूँ। वास्तविकता पता करने के लिए राजा अर्धरात्रि को वहाँ पहुँचे, तब चंडी माँ ने राजा को साक्षात दर्शन दिए। उस काल में शेर भी यहाँ आया करते थे। दोस्तों, तभी से ये मूर्ति यहाँ विराजमान है। राजाओं का राज खत्म होने के पश्चात यहाँ आदिवासियों का डेरा था, तब यहाँ इस मंदिर में सर्प आया करते थे। बाद में भालू आने लगे जो अभी भी आते हैं। जंगल में जाकर यही भालू खूंखार हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर पालतू पशु की तरह व्यवहार करते हैं। दोस्तों, भालू के परिवार को देखकर श्रद्धालु अचरज में पड़ जाते हैं, जो प्रसाद खाते हैं एवं परिक्रमा भी करते हैं। ये सब यही देखने को मिलता है, जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चुपचाप वापस चले जाते हैं। हालांकि किसी भी अप्रिय घटना होने की स्थिति में मंदिर ट्रस्ट ने अपनी जवाबदारी न होने के पक्ष में जगह जगह नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं। दोस्तों, माँ चंडी से जुड़ी एक और खास बात यह भी है कि माँ की प्रतिमा निरंतर बढ़ रही है। मंदिर ट्रस्ट कई बार मंदिर को बना चुका है, पर माँ कुछ ही सालों में माँ छत को छू जाती है और मंदिर फिर से तोड़ना पड़ता है। वर्तमान में माँ की प्रतिमा लगभग 9 से 10 फीट ऊंची है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष की दोनों नवरात्रि में यहाँ लोगों का तांता लगता है। मंदिर में लगभग 8,000 से 10,000 ज्योत हर नवरात्रि में श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति हेतु जलाते हैं। पूरे 9 दिनों तक दिन रात विभिन्न आयोजन व जस गीतों व सेवा गीतों की प्रस्तुति होती है। भंडारों का आयोजन होता है। श्रद्धालु परिवार सहित आकर माहौल का लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों, यहाँ से भीमखोज स्थित खल्लारी माता मंदिर केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसलिए जब भी आप बाग बहारा स्थित चंडी माता के दर्शन के लिए आए तो ग्राम कोसरंगी के सिद्ध बाबा व भीमखोज स्थित खल्लारी माता के दर्शन जरूर करते जाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।